सो हेलो एवरीवन, मैं आपको इस वीडियो में एनोवेशन का प्रोसेस समझाऊंगा। सबसे पहले आपको cbat.org इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे होगा क्रिएट अकाउंट, आपको अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे आप डिटेल्स फिल करेंगे, नेम, ईमेल और पासवर्ड और यूजर नेम बनाना है, फिर एग्री करके सबमिट करेंगे, फिर ईमेल पे वेरिफिकेशन करना होगा और फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए आपने जो डिटेल्स साइन अप में फिल करी थी वो डिटेल्स डाल देंगे, फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप अकाउंट पर एंटर हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट दिख रहा है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको नेम देना होगा प्रोजेक्ट को, आपको प्रोजेक्ट को नेम देना होगा। नेम देने के बाद आपको यहाँ पे लेबल्स देने हैं, आपको लेबल्स में वो चीजें डालनी है जो ऑब्जेक्ट को आप एनोइड करेंगे। जैसे हम आपको पेयर्स में इमेजेस देंगे तो लगभग, जैसे ये कंप्यूटर से रिलेटेड है तो इसमें लगभग आपको सेम चीजें मिलेंगी ऑल इमेजेस में, जैसे मॉनिटर है, माउस है, ये कीबोर्ड है, ये तीन मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, वहां पे कैमरा है, लैंप है और भी चीजें रखी है। तो आप हर इमेज में आपको पांच चीजें एनोइड करनी है, तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। पहले एक इमेज की पांच चीजें ऐड कर लेंगे, वही सिमिलर मोस्टली आपको एक फोल्डर दिया जाएगा इमेज का, तो उसमें वही ऑब्जेक्ट मिलेंगे। कुछ एडिशनल होता है तो आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं बाद में लेबल। तो जैसे मैंने ये ऐड किया कीबोर्ड, आपको कीबोर्ड वाले को एक कलर दे देना है, फिर आपने मैंने किया मॉनिटर, फिर मॉनिटर के लिए एक कलर दे देना है। ये दो लेबल क्रिएट हो गए हैं। फिर तीसरे लेबल पे आपको लैम्प, मैंने लैम्प दिया, एक कलर दे दिया लैम्प को, तीन लेबल्स दे दिए मैंने यहाँ पे। इसी तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा लेबल्स देने हैं जो चीजें आप प्रोजेक्ट में इमेज में एनोइड करेंगे, और पर इमेज में आपको 5 ऑब्जेक्ट्स को एनोइड करना है। एनोवेशन का प्रोसेस आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप देख रहे हैं और क्या चीज है, ये बुक, बुक थी वहां पे, हमने बुक का लेबल दे दिया। ये 5 लेबल हो गए हैं, तो हम अब सबमिट कर देंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हम प्रोजेक्ट में जाएंगे, अब प्रोजेक्ट में टास्क क्रिएट करना है। आप टास्क को कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप टास्क को कुछ नाम दे देना, जैसे जिस फोल्डर से रिलेटेड आपका टास्क है। और यहाँ पे क्लिक और ड्रैग इमेज है, इमेज को आपने यहाँ पे लाना है। आपको जितना इमेज एक साथ दिया जाएगा आप वो सबके सब एक साथ इसमें अपलोड कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। वो यहाँ पे सब इमेज अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद सबमिट कर देना। सबमिट करेंगे तो सब इमेज अपलोड हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे टास्क में जाना है, जो ऊपर बार में टास्क दिया है, टास्क में जो आपने क्रिएट किया था, मैंने कंप्यूटर नाम से क्रिएट किया, तो आप इसमें आ गए। और फिर पोस्ट लिखा है वहां पे जाना है आपको, तो आपका टास्क ओपन हो जाएगा। आपका टास्क ओपन हो गया, फिर ये आप साइड में बार जो देख रहे हैं वहां पे पॉलीगन वाले पे आपको क्लिक करना है। पॉलीगन में यहाँ पे आपको, जैसे मॉनिटर पे मैं फर्स्ट एनोइड कर रहा हूँ, मैंने मॉनिटर को क्लिक किया। फिर आप स्टार्ट करेंगे एनोवेशन, आपको डॉट डॉट्स बनाने हैं इसके सभी कॉर्नर्स पे जिस चीज को आप एनोइड कर रहे हैं। और आप माउस को स्क्रॉल करके जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, और इस तरह से आप इसको एनोइड करते रहेंगे। जैसे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेरा एनोइड हो गया, फर्स्ट मॉनिटर। आप यहाँ से ओपेसिटी बढ़ा के देख सकते हैं, अगर कहीं पे कुछ लेबलिंग में प्रॉब्लम आ गई तो आप उसे फिर से एडिट कर सकते हैं। आप जैसे जो आपने पॉइंट किया उसको आप मूव कर सकते हैं आप एनोइड करने के बाद भी। ये मैं सेकंड ऑब्जेक्ट को एनोइड कर रहा हूँ, सेकंड मॉनिटर, सेकंड ऑब्जेक्ट एनोइड हो गया है। देखिए दो ऑब्जेक्ट एनोइड हो गए हैं। इसी तरह से आपको पर इमेज में 5 ऑब्जेक्ट्स को एनोइड करना है। वो कुछ भी 5 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बट मेक श्योर वो उसका आपको लेबल भी देना होगा और उसी लेबल के कलर से आपको उसको एनोइड करना है। जैसे अब मैंने माउस देखा, मैंने माउस क्लिक कर लिया वहां पे पॉलीगन में, अब मैं माउस को एनोइड करूंगा। ये माउस है यहाँ पे, आप जूम इन करके उसे देख सकते हैं। अब इसके पूरे कॉर्नर्स पे डॉट डॉट्स बना के आप इसको एनोइड कर दें।
इस तरह से माउस भी एनोट हो गया है, तीन ऑब्जेक्ट हमारे हो गए हैं। अब फोर्थ ऑब्जेक्ट मैं करूंगा कीबोर्ड को, कीबोर्ड को तीन हो गए हैं। एवरी इमेज में यू हैव टू एनोट फाइव ऑब्जेक्ट्स, तो अब ये कीबोर्ड को मैं एनोट कर रहा हूं। आप इस तरह से एनोट करेंगे, डॉट डॉट्स बनाते रहेंगे। अगर आपको लगता है आपने कोई गलत डॉट बना लिया है तो उसको अंडू करने के लिए आप माउस का राइट क्लिक करेंगे तो वो डॉट रिमूव हो जाएगा। हाँ, ये एनोट हो गया है। चार ऑब्जेक्ट हमारे हो गए हैं, दो मॉनिटर, एक माउस, एक कीबोर्ड। अब फिफ्थ लेवल मैंने बुक दिया है पर बुक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे फिर से अपने दूसरे टैब में मैं अपना प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट का लिंक ओपन करके मैं वहां पे लेबल ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लैम्प दिख रहा है मुझे, एक टैब दिख रहा है, एक कैमरा दिख रहा है, तो मैं किसी भी और चीज का वो लेबल दे सकता हूँ वहां पे, और वो लेबल को यूज करके मैं उस प्रोजेक्ट पे आ सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कैमरा था, मैंने कैमरा ऐड कर लिया, कैमरा का लेबल। अब मैं यहाँ पे एक कैमरा दिख रहा है, अब मैं कैमरे को एनोट करूंगा। पहले मैं इमेज सेव करके इसे रिफ्रेश कर लूंगा। कैमरा मैंने यहाँ ऐड किया था लेबल में, तो अब यहाँ पे वो शो हो जाएगा आपको। फिर लोड हो रहा है, अब यहाँ पे आपको पॉलीगन में जाएंगे तो आपको कैमरा शो हो गया। आप सेव पे क्लिक करेंगे, आप ये कैमरे को देख रहे हैं। अब आप कैमरे के कॉर्नर्स को एनोट कीजिए, और जैसे यहाँ पे देखिए, ये मुझसे अगर गलत एनोट हो जाता है, ये बाहर चले गया ये, तो अब तब क्या करेंगे आप? तो आप राइट क्लिक करके उसे फिर से डिलीट कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे तो वो डॉट आपका डिलीट हो जाएगा। इस तरह से एनोट करेंगे, ये भी एनोइट हो गया। तो इस इमेज में पांच ऑब्जेक्ट्स को हमने एनोइट कर लिया। हमें हर इमेज में इसी तरह से पांच पांच ऑब्जेक्ट्स को एनोइट करके यहाँ पे सेव है, सेव करते रहना है। दो मॉनिटर हो गए, एक कैमरा, एक कीबोर्ड, एक माउस, और यहाँ पे ओपेसिटी, आप ओपेसिटी इंक्रीज करके देखिए, सारे पांच के पांच ऑब्जेक्ट्स एनोइट हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने सेव नहीं किया, आपको पहले सेव कर लेना है, उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना है। मैंने पहले चार को तो सेव किया था, तो फिर आपको सेगमेंटेशन मास्क में जाके उसे सेव कर देना है। सेव, अब यहाँ पे देखेंगे सेगमेंटेशन क्लास में देखेंगे तो आपने जो एनोट किए थे वो दिखाएगा। सेगमेंटेशन ऑब्जेक्ट में आपको अलग अलग कलर में दिखाएगा सभी के पांच ऑब्जेक्ट। ये कैमरा नहीं दिखाया क्योंकि मैं वहां पे सेव करना भूल गया था, तो आप ये गलती मत करना, आपको सेव जरूर करना है, उसी के बाद आपको आउटपुट में कंप्लीट रिजल्ट दिखाएगा। तो अब आपको सेव करना है, यहाँ पे सेव हो जाएगा, फिर से आपको एक्सपोर्ट करना है। आपको दो फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट करना है, एक तो कोको 1.0 और दूसरा सेगमेंटेशन मास्क, और ये दोनों फोल्डर को आपको अपलोड करना होगा जो हम ड्राइव का लिंक प्रोवाइड करेंगे। उसमें आप इसे नाम दे दीजिए कुछ भी, फिर ये डाउनलोड हो जाएगा आउटपुट। ये डाउनलोड होके आप देखिए, यहाँ पे है सेगमेंटेशन क्लास और सेगमेंटेशन ऑब्जेक्ट। सेगमेंटेशन क्लास में आप इमेज को ओपन करेंगे तो ये है पांच के पांच ऑब्जेक्ट्स एनोइट हुए थे, वो दिखा रहा है यहाँ पे। और अगर आप सेगमेंटेशन ऑब्जेक्ट में देखेंगे तो वहां पे ये इमेज में जो पांच ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब अलग अलग कलर में दिखाएगा, जो हमारा मेन आउटपुट है। ये आप कंपेयर कर सकते हैं, जो जो आपने एनोइट किया था वो वहां पे आपको दिखा रहा है। इसी तरह से आपको पर डे एज मच यू कैन कंप्लीट, आपको कंप्लीट करना है। इसी तरह से पर इमेज में फाइव ऑब्जेक्ट यू हैव टू एनोइट। इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।